हेलो फ्रेंड्स, आज हम बनाने वाले हैं बेसन के गट्टे की सब्ज़ी, और वो भी बिना लहसुन और प्याज के, क्योंकि समटाइम्स लोग नहीं खाते हैं और आपको पता होगा कि कोई भी ग्रेवी बिना लहसुन प्याज के कंप्लीट नहीं होती है। तो हम सिर्फ टमाटो वाली बनाने वाले हैं, ओनली टमाटो ग्रेवी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। यहाँ पर मैंने ये बेसन लिया है और ये सिर्फ क्वान्टिटी है ओनली फॉर 2 पर्सन, ठीक है। और अब मैं इसको मैश करने वाली हूँ कुछ कॉन्डिमेंट्स डाल के, जैसे कि बिट ऑफ सॉल्ट, लिटिल टर्मरिक, थोड़ा सा गरम मसाला, थोड़ी सी रेड चिली पाउडर। मैं मोस्टली जो है ना, बस ये कश्मीरी वाली ही यूज़ करती हूँ, क्योंकि स्पाइस एनहेंस करने के लिए इट्स बेटर कि आप ग्रीन चिली यूज़ कीजिए, दैट इज़ गुड फॉर हेल्थ ऑल्सो। ये हेल्थ के लिए अच्छी नहीं होती है, बट येस थोड़ा बहुत आपको कलरेंट की तरह अगर इसको यूज़ करना हो तो आप कश्मीरी रेड चिली यूज़ कर सकते हैं। सो अभी वाटर ऐड करते करते हम इसको थोड़ा सा इसका एक डो बना लेंगे, एंड उसके लिए आप नॉर्मली अपना इस तरीके से। एंड येस, आई फॉरगेट वन मोर इंग्रेडिएंट विच इज़ ना बने, इसके लिए हम इसमें थोड़ा सा ऑयल भी ऐड करेंगे, लिटिल मोर, येस इट्स अराउंड 1 स्पून, बहुत छोटा नहीं, थोड़ा सा मीडियम साइज का 1 चम्मच ऑयल ऐड कर दिया है। और अब हम इसको ऐसे मिक्स कर लेते हैं। सो देखिए, अभी ये बन गया है कुछ इस तरीके का डो, और इसको अपने जितना दबाएंगे, जितना ऐसे नीडिंग करेंगे, तो ये देखिए इसमें एक शाइन आ रही है। जो इसका ऑयल था, जो हमने थोड़ा सा ऑयल डाला था, वो रिलीज़ होने लगा है, और अब ये हाथ पे उतना चिपक भी नहीं रहा है। अदरवाइज़ ये मिक्स करते टाइम या नीडिंग करते टाइम बहुत चिपकता है, बट एज़ वेल जैसे ये होता चला जाता है रेडी, और ये ठीक हो जाता है। अब इसके हम लंबे लंबे गट्टे रेडी करेंगे। सो ये देखिए, यहाँ पे ये 4 गट्टे रेडी हो गए हैं। ये देखिए, बच्चों के लिए ये बहुत ही अच्छा फन एक्टिविटी है, जस्ट लाइक अ क्ले ऐसे करके उनको माउंट करना है। और इस तरीके से ये लंबे लंबे 4 बेसन के गट्टे हमने बना लिए हैं। अब हम इन्हें करेंगे एकदम खोलते हुए, एकदम हाईली बॉइल्ड वाटर में इनको पकाएंगे थोड़ा सा, और पानी इतना होना चाहिए कि ये अच्छी तरह से डिप हो जाए, और बहुत ही गर्म होना चाहिए पानी। तो चलिए पानी गर्म कर लेते हैं। जब तक हमारा जो पानी है वो बहुत अच्छी तरह बॉईल होगा, हम टमाटो की ग्रेवी तैयार कर लेते हैं। क्वांटिटी के लिए आई थिंक 2 टमाटर काफ़ी हैं, इनको मैं मिक्सर में पेस्ट बना लेती हूँ इनका। सो ये हमारा टमाटो का जो पेस्ट है वो रेडी हो चुका है। चलिए अब तड़का लगाने के लिए एक दूसरे पैन में हम ऑयल भी रख देते हैं। और देखिए, यहाँ पे हमारा पानी भी बहुत ही अच्छी तरह, ये देखिए, खोल रहा है, और इसी खोलते हुए पानी में हमें ये जो हमारे बेसन के गट्टे हैं इनको डाल देना है। और ये बस, अब हम इसे भी बॉईल होने देंगे। ये थोड़े से इस तरीके से हो जाते हैं, जैसे कि बाहर से थोड़े पके पके से दिखने लगेंगे, थोड़े से फूले फूले लगेंगे, तो ये कंप्लीट हो जाएंगे। और यहाँ पे हमारा ऑयल गर्म हो रहा है, तो इसके लिए हम कुछ मसाले ले लेते हैं जो भी हमने ऐड करना है। ये सब्ज़ी मैं बहुत ही ईजी और सिंपल वे में बना रही हूँ, तो इसमें मैं कुछ भी बहुत ज़्यादा वाली चीज़ें नहीं डाल रही हूँ। यहाँ पे मैंने सिर्फ एक हाफ लीफ ऑफ बे लीफ लिया है, 2 लौंग, 2 काली मिर्च और एक छोटी सी स्टिक सिनेमन के लिए, तो इसको मैं डाल देती हूँ इसमें। थोड़ा सा कुक हो जाए, आई थिंक ज़्यादा गर्म नहीं था वो। और यहाँ पे हमारे ये गट्टे बॉयल हो रहे हैं। कुछ लोग ना कोरिएंडर पाउडर को कुछ भी ग्रेवी के बाद डालते हैं, बट मैं प्रेफर करती हूँ कि हमें इसी टाइम पे उसको ऐड कर देना चाहिए। यहाँ पे मैं ये देखिए कोरिएंडर पाउडर भी डाल रही हूँ। अगर मेरे पास सीड होती तो वो भी मैं ऐड करती, अभी मेरे पास सीड नहीं है,
तो मैं जो रॉ पाउडर है इसी को ऐड कर रही हूँ। और ये देखिए, ये पकने में अच्छी तरह भुन जाता है, टाइम लेता है। टर्मरिक हो गई एंड चिली अभी नहीं डालूंगी बिकॉज मेरी डॉटर के लिए मुझे सिंपल निकालनी है ये सब्जी। थोड़ा सा सॉल्ट एंड फिर ये टमाटो का पेस्ट। अब इसको भून लीजिए बहुत ही अच्छे तरीके से। यहाँ पर ये गट्टे भी रेडी हो गए हैं। आप इसको नाइफ से ऐसे थोड़ा सा कट करके आप ऐसे चेक कर सकते हैं। ये टूटेंगे, मतलब घुलेंगे नहीं, टूटेंगे। कटिंग हो सकती है, टूट सकते हैं प्रॉपर। तो इस कंडीशन में हमारे गट्टे इसका मतलब रेडी हो गए हैं। तो अब मैं इनको निकाल देती हूँ। अच्छी तरह नीडेड जो गट्टे होते हैं वो पानी में बिल्कुल भी नहीं घुलते हैं, इनफैक्ट वो बहुत ही अच्छे तरीके से बॉयल होते हैं। अगर आपने नीड अच्छी तरह नहीं किया है, उसको ऑयल प्रॉपर ऐड नहीं किया है, तो समटाइम्स वो पानी में ना घुल भी सकते हैं। तो नीडिंग प्रॉपर आपकी होनी चाहिए। और अभी ये देखिए, ये कितने अच्छे से ऐसे, ये देखिए ऐसे कट होंगे। ये देखिए, ये वाला हमारा गट्टा इस तरीके से रेडी होना चाहिए। ये सो ये चाहिए हमको। यहाँ पे ये देखिए, टमाटो की जो ये ग्रेवी है ना, ये काफ़ी अच्छी तरह ऑयल रिलीज हो गया इसमें। अभी मैं इसमें पानी डाल देती हूँ एंड बॉईल आने देंगे इसको। वैसे मुझे पर्सनली ना आनियन गार्लिक की सब्जी ही अच्छी लगती है, बट समटाइम्स अगर आपकी कोई किसी पर्सन को आनियन गार्लिक से प्रॉब्लम है, नहीं खाना है उनको, या कोई और रीज़न है कि वो अनियन, तो आपको ऐसी सब्जी बनानी है। अदरवाइज़ तो कोई भी ग्रेवी सब्जी ना अनियन एंड गार्लिक के बिना अधूरी है। इनफैक्ट जिसने खाना है ना मेरे फैमिली में, उनकी सब्जी निकालने के बाद मैं इसमें अनियन गार्लिक का पेस्ट भी रोस्ट करके अच्छी तरह भून के मैं इसमें ऐड करने वाली हूँ, वो भी मैं आपको दिखा दूँगी। अब यहाँ पर जो ये हमारे गट्टे हैं ना, इनको हम कट कर लेते हैं एकदम प्रॉपर साइज में होना चाहिए। ज़्यादा मोटे नहीं होने चाहिए, नहीं तो वो ग्रेवी के साथ ना सॉफ्ट नहीं होंगे। तो इतना साइज़ जो है बिल्कुल ठीक है। और इसी तरीके से हम सारे जो गट्टे हैं इनको कट कर लेंगे। हाँ, ये देखिए सारे गट्टे कट के रेडी हैं। और अब हम इसको ग्रेवी में ऐड कर देते हैं। अभी एक बार फिर से बॉईल आने देंगे ताकि ये लास्ट और कंफर्म बिल्कुल रेडी हो जाएगी ना। फिर तो एक बॉईल और आ जाएगा, तो ये गट्टे थोड़े ग्रेवी के साथ जो है ना टेस्ट को थोड़ा अपने अंदर ले लेंगे, और ग्रेवी भी ठीक हो जाएगी और गट्टों के अंदर भी टेस्ट आ जाएगा।